हाँ, बेरोजगारी के कारणों में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की गतिशीलता कम होना। यदि हम देखें तो हमारे देश में अधिकांश जो श्रम शक्ति है वो उसकी मोबिलिटी ऑक्यूपेशनल और ज्योग्राफिकल दोनों ही बहुत कम है। मतलब हमारा लेबर जो है वो एक ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या हुई, एक रोजगार से दूसरे रोजगार में शिफ्ट होना, और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या हुई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोजगार के लिए मूव करना। तो दोनों ही प्रकार की मोबिलिटी इंडिया में बहुत कम है, चाहे उसको हम किसी भी रीज़न से कह दें, हमारे फैमिली रीज़न से या हमारे कल्चरल रीज़न से, लेकिन हमारे कंट्री में ये दोनों ही प्रकार की मोबिलिटी बहुत कम है, और ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। क्योंकि यदि हमारा लेबर उसमें मोबिलिटी होगी दोनों ही प्रकार की, भाई यदि उसको अपने ज्योग्राफिकल एरिया में किन्हीं कारणों से, मंदी के कारण से या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण से बिजनेस नहीं चलता है किसी एरिया में, तो वो कुछ अवधि के लिए किसी और क्षेत्र में जाकर बिजनेस या कोई भी अपना नौकरी कर सकता है या कोई और रोज़गार अपना सकता है। तो यदि लेबर में मोबिलिटी है तो बेरोजगारी की समस्या कम होगी, लेकिन हमारी कंट्री में लेबर में दोनों ही प्रकार की मोबिलिटी कम होना, ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल दोनों ही प्रकार की मोबिलिटी कम होना भी बेरोजगारी का एक कारण है। इसके बाद है पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को ही यदि हम कहें, गरीबी और बेरोजगारी दोनों को ही हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हम देखें तो ए पर्सन इज़ पुअर बिकॉज शी इज़ अनएम्प्लॉयड, या एक व्यक्ति गरीब है क्यों, क्योंकि वो बेरोजगार है, और ही इज़ अनएम्प्लॉयड बिकॉज शी इज़ या ही इज़ पुअर। ठीक है, तो एक तरह से गरीबी और बेरोजगारी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक व्यक्ति गरीब है कारण वो बेरोजगार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार है कारण क्योंकि वो गरीब है, गरीबी के कारण वो कोई अपना बिजनेस या कोई अपना नया वेंचर स्टार्ट नहीं कर सकता, और गरीबी भी बेरोजगारी को बढ़ाने में एक कारण के रूप में सिद्ध होती है। इसके बाद है हमारा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा शिक्षा तंत्र है उसकी खामियां भी या उसमें जो कमियां हैं वो भी बेरोजगारी बढ़ाने में एक तरह से सहायक के रूप में कार्य करती हैं। तो इस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह से यूथ में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता, जिससे वो कोई अपना ऑक्यूपेशन या कोई अपना ही पेशा डेवलप कर सकें। तो एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग का अभाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएशन का अभाव, ये सब भी बेरोजगारी को बढ़ाने में सहायक हो जाते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव या उसकी कमी भी बेरोजगारी बढ़ाती है। क्योंकि यदि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो जो हमारे लेबर हैं वो इनएफिशिएंट रहेंगे, अनट्रेन्ड रहेंगे, उनकी दक्षता डेवलप नहीं हो पाएगी, वो दक्षपूर्ण नहीं बन पाएंगे, और इनएफिशिएंट और अनट्रेन्ड होने के कारण वो कोई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अचीव या कोई अच्छा रोजगार अचीव करने में सक्सेस नहीं रहेंगे या वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की कमी भी बेरोजगारी बढ़ाती है। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें तो हमारा लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं, आर्थिक सुधार जो हैं, वो भी बेरोजगारी बढ़ाने में एक तरह से वो भी कारण बने हैं। हम जानते हैं 1991 से इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में, आर्थिक सुधारों के रूप में एलपीजी को अपनाया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो ये जो हमने आर्थिक सुधारों को 1991 में अपनाया, इसके कारण कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो प्रोडक्शन की हैं उनका ज़्यादा उपयोग होने लगा,
पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया तो पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश को बढ़ावा मिला, और प्रोडक्शन में हमने पूंजी गहन तकनीक जो हमने अभी पढ़ी थी, मतलब प्रोडक्शन करना मशीनों की सहायता से, उसमें लेबर को कम यूज़ करना। तो ये जो आर्थिक सुधार हुए उन्होंने काफ़ी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर अग्रसर तो किया, लेकिन कुछ जैसे प्रोडक्शन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का ज़्यादा यूज़ करना, पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट करना, तो ये सभी कुछ ऐसे पॉइंट्स कारण बने जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई।